हर साल दरियाए नील में जवान खूबसूरत लड़की को क्यों फेंका जाता था और इसके पीछे छुपा हुआ वो राज क्या है? हकीकत खुलकर सामने आ गई। कैस बिन अल हज्जाज उससे रायत करते हैं जिसने उनसे ये किस्सा बयान किया कि जब मुल्क मिस्र फतह हुआ तो सैयदना उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हो बतौर गवर्नर वहाँ तशरीफ़ लाए। जब अजमी महीनों में से एक महीना शुरू हुआ तो कुछ लोग आपके पास आए और कहा कि ए हाकिम वक्त, यकीनन ये हमारे दरियाए नील का एक दस्तूर है और ये उस दस्तूर के बग़ैर अपनी रवानी जारी नहीं रखता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, वो दस्तूर क्या है? तो उनमें से किसी ने कहा कि जब इस माह की 11 रातें गुजर जाती हैं तो हम एक कंवारी लड़की जो अपने वालदैन की इकलौती बेटी हो तलाश करते हैं, उसके वालदैन को रजामंद करते हैं, फिर बेहतरीन लिबास पहनाकर जेवरात से आरास्ता करके उसे भेंट चढ़ाते हुए दरियाए नील में डाल देते हैं। तो फिर दरियाए नील की रवानी जारी रहती है वरना रुक जाती है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, इस्लाम में ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यकीनन इस्लाम तो अपने से पहले की रसूमात जाहिलियत को मिटा देता है। अहले मिस्र उस दिन काम से रुक गए और नील था कि ना तो सुस्त रवि के साथ बहता ना ही तेज़ी के साथ, बल्कि उसकी रवानी बिल्कुल रुक गई, यहाँ तक कि लोगों ने मिस्र से निकलने का इरादा कर लिया। जब सैयदना उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह मामला देखा तो इसके मुतालिक अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अल खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ एक ख़त लिखा और ये बात बताई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब लिख भेजा कि आपने बिल्कुल सही किया, इस्लाम तो वाकईतन जाहिलियत की साबिका रसूमात को मिटा देता है। और आपने अपने उस ख़त के अंदर एक रुका भी इरसाल फरमाया और लिख भेजा कि मैं आपकी तरफ अपने इस ख़त के साथ एक रुका भी भेज रहा हूँ, आप ये रुका दरियाए नील में डाल दें। जब सैयदना उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आपका ख़त पहुँचा तो उन्होंने वो ख़त पढ़ा और वो रुका उठाया, उसे खोला तो उसमें ये लिखा था, अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से अहले मिस्र के दरियाए नील की तरफ अमाबाद। ए नील, अगर अपनी मर्ज़ी से बहता है तो ना बहे, अपना बहाव रोक दे, और अगर अल्लाह अज़ुजल तुझे बहाता है तो मैं अल्लाह अल वाहिद अल कहार से दुआ करता हूँ कि वो तेरा बहना जारी फरमा दे। सैयदना उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेंट चढ़ाने से एक दिन कबल वो रुका दरियाए नील में डाल दिया, जबकि अहले मिस्र मिस्र से निकलने का फ़ैसला कर चुके थे, क्योंकि मिस्र में उनकी मनफियत तो दरियाए नील से वाबस्ता थी। जब वो रुका डाल दिया गया तो लोगों ने यौमुल सलीब की सुबह देखा कि एक ही रात में अल्लाह ताला ने दरियाए नील में 16 हाथ तक की ऊंचाई में पानी बहा दिया। बस उस दिन से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने अहले मिस्र के उस बुरे तरीके को ख़त्म फरमा दिया, ये मुनकर रिवायत है।